नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता के मामले की विधानसभा स्पीकर राहुल नावेरकर ने सुनवाई की। इसमें शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी, शिवसेना नेता सुनील प्रभु से सवाल जवाब किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे, वकील देवदत्त कामत भी मौजूद रहे। ठाकरे गुट की ओर से चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए स्पीकर के सामने हलफनामे, ईमेल, खबरों की कॉपियां और व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट समेत कई सबूत पेश किए गए। इनमें से एक हलफनामे में बताया कि उद्धव ठाकरे को 2013 से 2018 और 2018 से 2023 तक शिवसेना का पार्टी प्रमुख बनाया गया था। इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से दी गई थी, जिसे 5 मार्च 2018 को कमीशन की ओर से स्वीकार किया गया था। 22 नवंबर से 24 नवंबर और 3 दिनों के अवकाश के बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी। नार्वेकर को इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। इससे पहले मंगलवार को स्पीकर नार्वेकर के सामने उद्धव गुट के चीफ वीप सुनील प्रभु ने गवाही दी। वहीं शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने कई मुद्दों पर सुनील प्रभु को घेरने की कोशिश की। जेठमलानी ने प्रभु से पूछा कि याचिका में बीजेपी पर लगाए गए आरोपों का जिक्र 18 नवंबर 2023 के हलफनामे में क्यों नहीं किया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ने और याचिका में शिंदे गुट और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बारे में सुनवाई हुई। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।